जाओ, तुम इसे मार डालोगे। मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा उस्मान। ले चलो इसको। चंगेज खान की रूह मेरे अंदर आ जाओ और मेरे जिस्म में समा जाओ, ताकि मैं अपने दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। काली रूह है मुझे ताकत दो। मेरे बहादुर जंगजू कोंगा, मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है वहां? उस्मान के बारे में मेरे लिए क्या खबर लाया? बुके और आलिशार दोनों ने उस्मान को पकड़ लिया है और अब वो उसे लेकर कोनिया जा रहे हैं। वो उसको के हाथों के पास लेकर जा रहा है। उस्मान गेहादु के हाथ में नहीं जाना चाहिए, जिसने बुद्ध मत के मंदिर को अपनी रूह बेच दी। वो नमक हराम और जलील पूरी तरह से अपनी इज्जत को गवा बैठा है। उस गीदड़ के हाथों में चंगेज खान के कवानीन नहीं जाने चाहिए। चंगेज खान के कवानीन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। हाँ, सिर्फ मेरा। कोनिया में क्या हुआ है? उस्मान ने बालगाय को धोखा दिया है। वो कवानीन असली नहीं थे। उसने नकली कवानीन बना लिए तो वो असली के बारे में भी जानता होगा, वरना वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था। चंगेज खान के कवानीन में हासिल करके रहूंगा।
उसने जो जख्म मुझे दिए हैं मैं उसका हिसाब जरूर लूंगा। क्या आतो को जब पता चलेगा कि कवानी नकली है तो वो क्या करेगा? उसने हम सब की मौत का फरमान जारी कर दिया। अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो उसके लिए हमें उस्मान से कवानीन लेने होंगे, नहीं तो आज या कल ग्यातू हमें नहीं छोड़ेगा। हम उस्मान को भूखे से छुड़वाएंगे। फौरी तौर पर कुनिया के रास्ते रवाना होते हैं। भूखे को कमतर मत समझना, वो इतना होशियार है कि उस्मान को उस रास्ते से लेकर नहीं जाएगा। अकल से काम लो। जो रास्ता हमारे जासूस इस्तेमाल करते हैं वो उसे वहां से लेकर जाएगा। बिल्कुल, वो वहीं से गुजरेंगे। चलो, उस्मान को गेहातू तक पहुंचने से पहले हमें पहुंचना है। काई के अजीम सरदारान और ओगौस के मुस्तकबिल बहादुर, मेरे पापा दुंदार साहब ने आपको सलाम भेजा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आपके बाबा ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम उसे रोकने में कामयाब हो गए। उसके साथ उसका एक सिपाही बुरान भी था। हमने उसे पकड़कर कमांडर बोके के साथ कोनिया रवाना कर दिया है सजाए मौत के लिए। यानी उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। जी आ गया है, अभी क्या अभी। अगर रात का इंतजार करें तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? अगर आप चाहें तो आप हुक्म करें, हम इस पर अमल करते हैं तमीर जी साहब। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या इस बारे में दुंदार साहब को पता है? क्या आपके वफादार सिपाही अभी भी जंगल में मौजूद हैं? बामसी साहब अपनी आंखें कबीले पर लगाए बैठे हैं और इस वजह से वो जंगल में हमारे पैगाम के मुंतजर हैं। बहुत खूब, अपने सिपाही तैयार करें, हम बामसी साहब की आंखें निकाल देंगे और गुंदूस का सर हम झंडे की तरह नेजे पर रख कर लहराएंगे। बहुत तवील वक्त हुआ हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह दुंदार साहब को लंबी उम्र से नवाजे, आमीन। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी का एहसास करते हुए गुंदूस कबीले से निकलेगा। शिकार के खेल में आप हमेशा शिकारी ही नहीं, कभी शिकार भी बन जाते हैं। हो क्या हुआ कोनूर, तुम इतनी जल्दी में क्यों? हुजूर, उस्मान साहब की बताई हुई जगह पर गए, उन्होंने क्लिच सिपाही को मार डाला। क्लिच? क्लिच? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गोंदोस, गोंदोस, ये अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ये तो हद हो गई, अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये समझ लो कि अब लड़ने का वक्त आ गया है। अब्दुलरहमान गाजी, कबीला आपके हवाले है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। गोंदोस साहब, आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। जंग के लिए तैयार रहे, ताईजान को भी बता दें, खवातीन को तैयार रखें, जो आपका हुक्म। चलो आ जाओ। चलो देखते हैं। यूं उदास मत होई है, यहां ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं आपके लिए हैं। तमाम तकलीफें अब माजी में रह गई हैं और
जब तक मैं आपके साथ हूं, इस दुनिया की कोई परेशानी, कोई गम आपको छू भी नहीं सकता। जान लीजिए, मैं मजबूर हूं आलीशार साहब। जब तक अम्मी और बाबा को जिंदा नहीं देख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी, बाबा, शुक्र है अल्लाह का कि आप खैरियत से हैं। शुक्र है मेरे रब का, जिसने हमें इस मुबारक दिन कोई गम ना दिया। हम ठीक हैं बेटी। उस्मान ने जो गड़ा खोदा, खुद ही उसमें गिर गया। तुम देख सकती हो, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। डरो मत। वो समझा मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आई। कहता था कि हम एक ही खून है, एक ही खानदान है। अपनी कहानियां सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहा था। बहुत जल्द बेटी, वो सब अपने किए का हिसाब एक एक करके देंगे। क्या बहादुर की कोई खबर आई? वो फर्ज पूरा कर रहा है, सब कुछ तैयार है। जैसा कि आप भी तशरीफ ले आए हैं, ये मुबारक दिन मुकम्मल हो गया। कबीले का निजाम और हवेली की सआदत आ चुके हैं। इन दोनों को दरख्त के साथ बांध दो, और जब तक ये मुंह न खोले, गाय। अल्हम्दुलिल्लाह, गुंदूस और वामसी चले गए, और हम जानते हैं कि लोगों में से कौन कौन मजामत करेगा। सब कुछ हमारी तवक्को से भी आसान होगा दमीर जी साहब। सिर्फ एक अब्दुर्रहमान गाजी रह गया, एक बार उसको भी खत्म कर दें तो हमारा काम खत्म। बिस्मिल्लाह।
आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं अब्दुर्रहमान गाजी। क्योंकि आप मरते वक्त बावजू होंगे जनाब। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तो ठीक है फिर, अपनी मौत का सामना करो। आओ आओ शाहीन आओ। अल्लाह मेरी जिंदगी तुम जैसे गद्दारों के गले काटते हुए गुजर गई। आओ आओ शाहीन आओ, मारो मुझे। जाए अब्दुर्रहमान गाजी, हमसे गलती हुई है। खड़े हो। अच्छा, ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। गुंदू साहब इनका फैसला करेंगे। फिर मुझसे वफादारी का वादा तोड़ा है उस्मान। वो कवानीन नकली थे कोनिया में कि हाथों के जंगजुओं के सामने तुमने मेरा मजाक बनाया है उस्मान। क्यों? अच्छा है, अल्लाह के सिवा किसी से भी हम वफादार नहीं होंगे, तुम ये जानते हो। जब तक तुम्हारे मुंह से बात और जिस्म से रूह नहीं निकल जाती, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त मेरे हाथ बंद हैं। कितने ताकतवर हो तुम ये मैं देख नहीं सकता। खोल दो मुझे ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सकूं मैं। तुम मेरे सामने एक जिंदा लाश हो बस। एक ऐसी जिंदा लाश जो तब तक जिंदा है जब तक अपना मुंह नहीं खोलती। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कियातों ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी किया। उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे माफ कर दो अजीम बलगाए, मुझे माफ कर दो ताकि मैं तुम्हारी खिदमत कर पाऊं। हुजूर, मुझे क्या करना है? बोरान को निकालो यहां से।
बुरान को, लेकिन वो कैसे? मेरी बात गौर से सुनो गुप्तु। अपनी जिंदगी के बदले क्या तुम मेरा कुत्ता बनने के लिए राजी हो? राजी हूं अजीम बालगाय। राजी हूं। तो फिर तुम अपने नौकरों समेत के हाथों के खिलाफ मेरा साथ दोगे? तुम्हारे जैसे कितने ही वफादार मेरे गुलाम बन गए हैं। ये गिहातों के खिलाफ मेरी फतह है। बूके को उसके हथियार दे दो और उस्मान को उस दरख्त पर लटका दो। हुजूर, जंग के तमाम सामान का जायजा लो। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। सबको जाकर इतला कर दो। कबीले का हर जवान चौकन्ना रहे। जैसे आपका हुक्म। जाओ, शाबाश। सलजान खातून कहाँ जा रही हैं? मैं मोहतरम शेख की तरफ जा रही हूँ अब्दुल रहमान गाजी। मैं उनकी दुआएं लेने और उनको अपनी सूरत हाल बताने जा रही हूँ। एक सिपाही ले जाएं। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर आप सिपाही भेज भी दें फिर भी हमारी जाने अल्लाह के सुपुर्द हैं अब्दुल रहमान गाजी। शुक्रिया। बहादुरों की जरूरत आपको है, मेरी फिक्र ना करें। जैसा आप चाहें। शेख मोहतरम को हमारी तरफ से सलाम पहुंचा दीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि दुआओं में हमें याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे फर्ज को ईमान के साथ पूरा करने, अपनी ख्वाहिशात पर सब्र के साथ काबू रखने और वो दिन देखने नसीब फरमाए जब ये दरगाह इस्लाम की रोशनी फैलाएगी। आमीन मेरे शेख।
मुझे बताओ, अपने फर्ज को अधूरा छोड़कर कबीले से क्यों आ गई? तुमने तो हमारी आंखें और कान बनना था वहां। ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हारे अज़्म को तोड़ा? तुम्हारा सब्र क्यों टूटा? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई बाला? मोहतरम शेख, मैं आपसे यहाँ आपके पास रहने की इजाजत चाहती हूँ, ताकि यहाँ रहकर अपने लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो तुम कुछ बेहतर करने के लिए यहाँ आई हो? जो बेहतरी तुम चाहती हो वो कबीले में तुम्हें क्यों नहीं मिल सकी? नहीं, वहां कबीले में तो बहुत अच्छे हैं सब लोग। मुझे किसी ने एक लफ्ज भी बुरा नहीं कहा। सलजान खातून, गुंदू साहब और बमसी साहब, ये सब बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। और उस्मान साहब, वो क्या कर रहे हैं? उस्मान साहब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। वो जिसको बताते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने चाचा के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। दुंदार साहब ने अपनी बेटी का हाथ आलिशार को दिया है, इसी वजह से उनके दरमियान झगड़ा हुआ। उस्मान साहब आईगुल और आलिशार साहब की शादी पर नाराज हैं। बस और कुछ नहीं मालूम। माफ करते हैं, नहीं ठहर सकी। बस मैं आपसे दूर नहीं रह सकी बाबा जान। ठीक है, हम कहते हैं कि बेटी ने बाबा की कमी महसूस की, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपना फर्ज छोड़ते, सब्र को तर्क करके सरकशी करते और यूं भागते नहीं देखा। मैं जानता हूं अपनी बेटी को। दुंदार साहब, तुम ये क्या कर रहे हो? खेल खत्म गुरु साहब। दोंदार कबीले से चला गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो उसका जहन यही है, बहादुर के सामने हमें मोहताद होकर बात करनी होगी। तुम्हारी मौत के परिंदे उतर चुके हैं। उस्मान कूनिया जाकर मरेगा और तुम यहां मेरे हाथों से मरोगे। गोंदूस, बहादुर को मेरे लिए छोड़ दो, इसे मैं मारूंगा। तो ये सब एक खेल था बहादुर? हाँ, ये खेल था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। चलाओ तीर। अब आ गए हुजूर।
करो, हमला करो। सी साहब, आपका दौर इख्तिताम को आन पहुंचा। हार मान जाए, इसे बगैर खून बहाए तय कर दे। देखो बेटा, तुम एक जंगजू और एक अजीम इंसान सुलेमान शाह के पोते हो। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मारूं। अपनी आंखें खोलो, अपने बाबा के नक्शे कदम पर मत चलो। समझो मेरी बात। बहादुर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग लो बहादुर, मांग लो माफी और बंद करो इस बगावत को। इसे बंद करो ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। मत मजबूर करो। बांसी साहब, आपको नजर नहीं आता, आपका वक्त अब खत्म हो चुका है। खत्म। बात सुने, अगर आपने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बांसी साहब। तुम ये नहीं सीख सके, नहीं सीख सके तुम ये। हक का दिफा करने वालों का वक्त नहीं खत्म होता। हम हमेशा साबित कदम रहेंगे। तुम्हारी तलवार हमारे ईमान को कभी भी कमजोर नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम अपनी ही गद्दारी के खोदे हुए कुएं में डूब जाओगे। आप हर रात अपने प्यारों और कबीले से किसी के आने का इंतजार करेंगे कि वो आए और आपको मार दे। मुझे अफसोस होता है बांसी साहब, चले हथियार डाल दें, हमारे साथ शामिल हो जाए, आगे की जिंदगी आप चैन से गुजारेंगे बांसी साहब। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैन और आराम के पीछे हूं बसल? हम मौत से नहीं डरते अल्लाह के हुक्म से, लेकिन तुम जैसे लोगों की जो जिंदगी है वो कुत्ते की जिंदगी है। मरने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं नसीब होगा। Yeah.
के हाथों ने तुम्हें खूब मारा पीटा। तुम्हारे चेहरे पे वाज़े है। जिन रूहों के पीछे छुपते रहे, जिन कीड़ों को तुम पूछते रहे, उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस कुछ ही देर में तुम बोलोगे उस्मान।